कई बार हम कोई म्यूजिक सुनते हैं और हमें अच्छा भी लगता है और मन में सवाल उठता है कि ये कौन सा गाना है, किसने गाया है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक म्यूजिक सेवा के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप कोई भी गाना या सॉन्ग पहचान पाएंगे। इस ऐप का नाम है शज़ाम। शज़ाम एक म्यूजिक सर्विस है जो आपके पीसी, मैक और स्मार्टफोन्स पर चलती है। ये कोई भी ऑडियो को माइक्रोफोन से सुनकर अकूस्टिक फिंगरप्रिंट बना लेती है, यूं समझिए कि आवाज की छाप, और फिर ये एक डेटाबेस के साथ उस आवाज को मैच करता है और इसे पता चल जाता है कि कौन सा गाना या म्यूजिक प्ले हो रहा है। आइए सीख लेते हैं कि शज़ाम को कैसे यूज करते हैं। मैंने इस वीडियो में सैमसंग नोट 4 का इस्तेमाल किया है जो एक एंड्रॉइड फोन है। यहाँ पहले मैं दो इंग्लिश के गाने टेस्ट करने वाली हूँ। ये मैं यूट्यूब पर पहले से हूँ और यहाँ पर मैंने ये एक सॉन्ग सिलेक्ट किया है जो है मराया कैरी का सॉन्ग जिसका नाम है हीरो, और इस सॉन्ग को मैं प्ले करने वाली हूँ। लेकिन पहले शज़ाम को ऑन कर देते हैं। ये देखिए, ये शज़ाम की ऐप मैंने पहले से अपने फ़ोन में इंस्टॉल की हुई है। अब आप चाहें तो आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं शज़ाम पर क्लिक करके इसे खोल लेती हूँ। ये देखिए, शज़ाम जो है ये खुल गया। अब मैं YouTube पर ये गाना प्ले कर देती हूँ और उसके बाद मैं शज़ाम में क्लिक करके उसे ऑन कर दूंगी। शज़ाम में जो बीचों बीच एस है आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। वैसे तो आप स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन एक बार गाना चल गया तो फिर मैं कुछ बोलूंगी नहीं जिससे कि ये ऑडियो में इंटरफेरेंस ना आए और ये ऑडियो बिल्कुल क्लियर हो। चलिए अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए, पॉज कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये है हीरो का मराया कैरी, और इसने ये भी डिटेक्ट कर लिया है कि ये इसकी लाइव रिकॉर्डिंग है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि नॉर्मली कोई भी सॉन्ग जो होता है उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें ये नहीं पता चल पाता कई ऑडियो डिटेक्शन सॉफ्टवेयर्स को कि ये लाइव रिकॉर्डिंग है या ये स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया है। तो देखिए, ये वाला जो हमने अभी सॉन्ग प्ले किया था वो शज़ाम ने सक्सेसफुली ठीक से डिटेक्ट कर लिया। अब एक और देख लेते हैं, और यहाँ पर मैं सॉन्ग के बीचों बीच शुरू करने वाली हूँ। ये है माइकल जैक्सन का सॉन्ग जिसका नाम है ब्लैक और वाइट। ये एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, कुछ साल पहले बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। चलिए हम देखते हैं ये पुराने गानों को भी डिटेक्ट करता है और बीच में से भी डिटेक्ट करता है या नहीं। अब मैं प्ले का बटन दबाऊंगी और उसके बाद हम शज़ाम को एक्टिवेट कर देंगे। ये देखिए, पहले हम होम पर गए और अब यहाँ पर मैं गाना प्ले कर देती हूँ यूट्यूब पर। ये देखिए, पॉज कर देती हूँ। अब देखिए, मतलब 5 या 6 सेकंड्स भी नहीं लगाती ये ऐप, और शज़ाम बस बहुत ही जल्दी बता देता है कि ये गाना कौन सा है। बहुत ही अच्छी ऐप है। अब ये तो इंग्लिश के गाने थे, क्या शज़ाम हिंदी के गाने भी पहचान सकता है? जी हाँ, शज़ाम ने हाल ही में सावन के साथ टाई अप किया है और अब ये हिंदी गाने भी पहचान पाता है। आइए इसे दो गानों पर टेस्ट कर लेते हैं। अब हम हिंदी के दो गाने टेस्ट कर लेते हैं। चलिए वापस गए और होम पर गए। यहाँ पर देखिए, ये है बादल पे पाँव है, चक दे इंडिया की जो मूवी है शाहरुख खान वाली, उसमें ये वाला गाना है। तो मैं ये यहाँ पर YouTube पर प्ले कर देती हूँ और फिर देखते हैं कि ये हिंदी गाने को भी डिटेक्ट कर पाता है या नहीं। आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें कुछ सेकंड थोड़े ज्यादा लगे इंग्लिश सॉन्ग से, लेकिन इसने
जो साउंड ट्रैक था उससे भी गाना पहचान लिया। कोई भी वर्ड्स नहीं थे, सिर्फ साउंड ट्रैक था और कोरस था, पर इसने ये गाना पहचान लिया। चलिए एक और गाने के साथ ट्राई कर लेते हैं, आखिरी गाना। वापस जाते हैं, होम पर गए, ये रहा शज़ाम, और अब गाने के बीचों बीच ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ये थ्री इडियट्स मूवी का गाना है, ऑल इज वेल, और इसने बहुत ही जल्दी इसे पकड़ लिया और इसे पहचान भी लिया। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी गाने दोनों ही शज़ाम पहचान लेता है। अब एक बात यहाँ आपको बता दूं, कोई भी ऑडियो रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं होता और हमेशा 100% सही रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन हाँ, अगर ये 80-90% भी सही रिजल्ट दे देता है तो ये बहुत ही काम की चीज है। अगली बार जब आप गाड़ी में रेडियो सुन रहे हो तो आप शज़ाम से आसानी से गाने पहचान पाएंगे। ये हैं हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सवाल और सुझाव मैं रोज पढ़ती हूँ, उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब आपने सीख लिया है कि शज़ाम क्या है और इसे कैसे यूज करते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।